हेलो दोस्तों, मेरा राजपूत आज आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ, ब्लड सर्कुलेशन। यानी कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है, किस तरीके से फ्लो होता है और ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और बहुत इसेंशियल प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए। इसके ब्लड के थ्रू ही जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस हैं और अदर प्रोडक्ट हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं, वो ब्लड में मिक्स होकर सर्कुलेट होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। तो देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेशन, बाय द ब्लड सर्कुलेशन न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट आर ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। यानी कि इसमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड अदर इसेंशियल प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी तत्व हैं और रेस्पिरेटरी गैसेस और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारी बॉडी में किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स यानी कि आर्टरी, वेंस और कैपिलरीज, इनके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेटरी गैसेस और इसेंशियल प्रोडक्ट में वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स, यानी कि इसके कितने टाइप्स हैं। इसके मेनली टू टाइप्स हैं, सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन और पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या होता है, थ्रू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेटेड बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। यानी कि इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आता है, फिर उसके बाद में ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी में जाता है। यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से अवे जाता है, यानी कि हार्ट से दूर, यानी कि बॉडी में। तो नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रू दिस सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। जो मैंने अभी बताया था, इस सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, जो ऑक्सीजनेटेड है, वो ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ सर्कुलेट होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट। तो पहले जो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है या है नहीं, वो इन्फीरियर वेना कावा, ये IVC इन्फीरियर वेना कावा है और ये SVC सुपीरियर वेना कावा है। इसके थ्रू हमारे राइट एट्रियम में आता है, फिर आता है हमारे राइट वेंट्रिकल में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में आएगा ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू आएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर उसके बाद में पल्मोनरी ट्रंक में आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, फिर उसके बाद में आएगा लंग्स में। लंग्स में हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होगा एल्वेओलाई के थ्रू, ऑक्सीजनेटेड होगा क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घुल जाती है ब्लड में, तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर उसके बाद में लंग्स से जाता है पल्मोनरी वेंस में, लंग्स से पल्मोनरी वेंस के थ्रू, पल्मोनरी वेंस होती है चार, उनके थ्रू ये पल्मोनरी वेंस के थ्रू आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में आता है जो लार्ज ब्लड वेसल्स है, यानी कि लार्ज आर्टरी है एरोटा, उसमें आता है, फिर इसके थ्रू बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। एरोटा की भी काफ़ी ब्रांचेज होती हैं, उसके थ्रू ये पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। तो ये सर्कुलेशन है वो ये ऐसे ही सिस्टमेटिक चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, इन दिस सर्कुलेशन ब्लड इज सर्कुलेट फ्रॉम, यानी कि इस सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है, हार्ट से लंग्स में जाता है और फिर लंग्स से हार्ट में आता है, यानी कि हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेट होगा ब्लड, फिर ऑक्सीजनेट होने के बाद में हार्ट में आ जाएगा, फिर हार्ट से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। इसके थ्रू और क्या होता है, थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से लंग्स में जाता है, यानी कि
पल्मोनरी का मतलब है यानी कि लंग्स में, यानी कि जो लंग्स के थ्रू लंग्स में जो ब्लड आता है उसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट से लंग्स में जो ब्लड गया है वो उस उतने में जो सर्कुलेशन होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इस सर्कुलेशन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो नेक्स्ट हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। जैसे कि राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, फिर वो पल्मोनरी ट्रंक में आएगा, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में, फिर आएगा लंग्स में, लंग्स में आके पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।